कितना टाइम पे पढ़े? सर कोचिंग में थे। हाँ दिन भर? बजे से पढ़े पढ़े ही नहीं कल? हैं रात को। ऐसा कैसे करेगा? देखा, कोचिंग तो तुमको सिर्फ कुछ कुछ चीजें सिखाता है, तुमको खुद ही पढ़ना पड़ता है। कोचिंग में तो सब याद नहीं कराते ना। मैं पढ़ाता हूँ तो मैं तुमको याद थोड़ी कराता हूँ हर चीज कि पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाएगा। ऐसा करोगे तो कैसे होगा? शिवानी, शिवानी कल क्लास में थी क्या? यस सर। घूम रहे भाई सर, क्लास में थी क्या कल? कल क्लास में थे? अच्छा, नो सर। तो फिर बताओ कल कैसे पढ़े? सर मैंने कल क्लास अटेंड नहीं की थी, बट बाकी मैंने अटेंड की थी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी 12th का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगा 12th वालों के एग्जाम भी होगी और फिर फिनिश भी करना होगा। शायद 12th में ज्यादा स्कोर ये रहेगा, तो 12th का भी कुछ कुछ शुरू कर देंगे। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी इसेंशियली डील विद इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मेटिकल्स एंड बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो बायो और टेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? एक है बायो शब्द, दूसरा है टेक्नोलॉजी। बायो मतलब क्या? जीवित चीजें। टेक्नोलॉजी मतलब क्या? अपना जो भी विज्ञान जो है हम लोग यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल की टेक्नोलॉजी, तो उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम बात करते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम ट्रेन बनाएंगे, कार, एयरप्लेन और क्या आवा जाएंगे जल्दी। ऐसी बायोटेक्नोलॉजी है कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हमको बायोलॉजिकल जो चीजें हैं, बायोलॉजिकल चीजें कौन सी? माइक्रोब, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, इनको इस्तेमाल करके हमको क्या बनाना है? बहुत ही बड़े पैमाने पे बायो फार्मास्यूटिकल्स, मतलब ऐसी चीजें जो अपने को उपयोग में है, जैसे दवाई, जैसे कुछ कोई भी खाने की चीज। तो इस तरह से तो बायोलॉजिकल चीजें, मतलब बायोलॉजिकल चीजें मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पे बायोफार्मेटिकल्स, मतलब दवाइयाँ या बाकी इतर उपयोगी चीजें इंसानों को है उसका प्रोडक्शन करना, तो इसको बोलते हैं बायो टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन, किसका प्रोडक्शन? इंडस्ट्रियल स्केल मतलब बड़े पैमाने पे फैक्ट्रीज में इसका प्रोडक्शन करना, किसका? बायो फार्मास्यूटिकल्स का। और दूसरा और बाकी चीजें किसकी मदद से? जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब, तो इन माइक्रोब में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जीन्स में मॉडिफिकेशन किया जाता है ताकि वो और अच्छे से हमको प्रोडक्शन दे सके। जैसे मान लो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म 1 लीटर कुछ दवाई बनाता होगा, तो हम उसको मॉडिफाई कर देंगे तो भी वो 10 लीटर दवाई बनेगा, ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन करना है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस, प्लांट्स और एनिमल्स का इस्तेमाल करके जो भी इंडस्ट्रियल स्केल पे बायोफार्मेटिकल्स बनाते हैं उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है,
Application of biotechnology include therapeutics, diagnostic, genetically modified crop for agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment and energy production. तो ये बायोटेक्नोलॉजी है बहुत जगह इस्तेमाल होती है, ठीक है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है. एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मतलब एप्लीकेशन मतलब वो इस्तेमाल कैसे होती है. जैसे अभी मैं तुम डॉक्टर बन गए तो एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज क्या है, तुम पेशेंट को ठीक करोगे, किसी का ऑपरेशन करोगे, किसी को इलाज करोगे, कोई डिलीवरी करोगे, कोई बच्चे देखोगे, किसी का पैर टूट गया तो प्लास्टर करोगे. तो ये है एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज. वैसे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसमें क्या कहता है, थेरापेटिक्स. थेरापेटिक्स मतलब पेशेंट को ठीक करना. डायग्नोस्टिक मतलब बीमारी को डायग्नोस करना. डायग्नोस करना मतलब पता लगाना, जैसे किसी को मलेरिया है तो खून जांच करते हैं, खून जांच करके फिर देखते हैं कि मलेरिया के जंतु खून में है या नहीं, वो है डायग्नोसिस. तो डायग्नोसिस में मदद करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, डायग्नोसिस में मदद कर सकती है. ठीक है, थेरापेटिक्स. फिर क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर जो है अपना, उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मतलब कि कुछ जनुकीय संरचना को हम लोग बदलेंगे जिससे कि अच्छा और उपज हो सके जो भी खेत में हम खेती करते हैं उसका. तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर. फिर प्रोसेस्ड फूड, ये जो हम लोग कुछ कुछ खाते हैं जंक फूड, प्रोसेस फूड. ये बायो रेमेडिएशन, फिर बायो रेमेडिएशन में ढूंढता हुआ क्या है. फिर वेस्ट ट्रीटमेंट. वेस्ट ट्रीटमेंट मतलब हम जो कचरा बनाते हैं रोज, हमारे घर से जो पानी निकलता है, खराब पानी, जो कचरा निकलता है, जो नाली में बह जाता है, उसको कैसे हम लोग, क्योंकि ये सब कचरा जाके कहाँ होगा, कहाँ मिलेगा, कचरा नालियों में जाएगा, नालियाँ बड़ी नालियों में जाएगी, वो सीवेज में जाएगी, वो सब कहाँ मिलेंगे, नदियों में मिलेंगे. तो नदियाँ प्रदूषित हो जाएगी, और नदियाँ प्रदूषित होगी तो उस वो नदी जहाँ से जा रही है उसके आगे वाले गाँव के लोग तो वही नदी का पानी पियेंगे, पियेंगे या भरेंगे या उसमें नहाएंगे या इस्तेमाल करेंगे, तो वो बीमार पड़ जाएंगे. इसलिए जब ये सब कचरा या गटर का पानी नदी में छोड़ा जाता है, उससे पहले बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उसको कैसे साफ बनाया जाए ताकि वो नुकसानकारक ना हो जब नदियों में छोड़े, मछलियाँ भी मर जाएगी ना. तो वेस्ट ट्रीटमेंट. तो वेस्ट ट्रीटमेंट मतलब कि जो कचरा हम बनाते हैं मोस्टली सीवेज, सीवेज मतलब ये जो गटर, गटर में जो भी कुछ कचरा जाता है, हमारे घर से जितना भी पानी गंदा निकलता है नालियों में जाता है और गटर में जाता है और आगे जाके नदी में जाता है, उसको वेस्ट बोलते हैं. तो वेस्ट उसको ट्रीटमेंट मतलब उसके ऊपर प्रक्रिया करके उसको थोड़ा और साफ बनाना, कम विषैला बनाना ताकि फिर वो नदी में छोड़ सके. एंड एनर्जी प्रोडक्शन दूसरा है कि हाँ, इससे हम लोग एनर्जी भी बना सकते हैं नया. तो ऐसे अलग अलग तरीके से एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो इसमें कोई भी पूछ सकता है कि अच्छा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या आ सकता है. तो इसमें से तीन कुछ ऑप्शन देंगे और एक ऑप्शन नहीं रहेगा, एक ऑप्शन कुछ और रहेगा. तुमको ऑल ऑफ द बो या नन ऑफ द बो या कोई जो ऑर्डर इसमें नहीं है वो सब ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे. यही क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्च में तीन एरिया कौन से है. प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजिंग अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम. क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट. और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी प्योरीफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो टेक्नोलॉजी में जो रिसर्च होते हैं वो क्या होते हैं, पहला क्या है, बेस्ट कैटलिस्ट. तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंजाइम, ऐसे ऐसे कोई बेस्ट कैटलिस्ट को इस्तेमाल करो. जैसे मान लो कोई एक जंतु है तो उससे अगर पता चला हमको कि जो दही है वो 10 मिनट में बन जाएगा, तो या एंजाइम है कोई केमिकल डाल दो तो दूध से दही 10 मिनट में बन जाएगा,
तो ये जो जो चीज हमने डाली उसको बोलते हैं कैटलिस्ट, वो दही बनने की प्रक्रिया को फास्ट में कर देता है। तो इस पे रिसर्च करना कि बेस्ट कैटलिस्ट क्या है, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब या प्योर एंजाइम जो दही बनाए, मतलब जो कोई चीज को जल्दी करेगा, तो बेस्ट कैटलिस्ट, इस पे रिसर्च करते हैं बायोटेक्नोलॉजी वाले। दूसरा क्या है, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर कैटलिस्ट टू एक्ट। तो जैसे हमको पता चला कि नहीं भाई दही तो फास्ट नहीं बन सकता, लेकिन अगर 40 डिग्री पे तापमान बाजू में रखे और फिर दही में वो द्रव्य डाल दे हम लोग, दही 4 घंटे में बन जाएगा, जिसको नहीं तो 1 दिन लगता है। तो अभी उन्होंने क्या, कैटलिस्ट तो नहीं बदल पाए, ठीक है, माइक्रोब या एंजाइम नहीं बदल पाए, लेकिन उनको ये पता चला कि आजू बाजू का सराउंडिंग बदलने से दही जल्दी बन जाएगी। तो ये है क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग। तो कंडीशन मतलब आसपास के जो कंडीशन है जो उस प्रक्रिया को होने के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको बना दो इंजीनियरिंग से, जिससे जैसे वो जो कैटलिस्ट है वो अच्छे से काम करे। और तीसरा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्योरीफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जैसे अभी हम लोग बोलेंगे कि हमको किसी के शरीर में खून की कमी है, ठीक है, अब फिर रानी कुमारी बोलेगी कि ठीक है मैं अनार खाऊंगी, या वो लाल कलर करते ना बीट रूट, बीट रूट बोलते ना, क्या बोलते हैं आपके इसमें, उसको हिंदी में क्या चुकंदर, बोलते हैं, छछुंदर, चुकंदर, पीठ पीठ नहीं, छ चुकंदर, चुकुंदर, चुकंदर ही बोलते हैं, छछुंदर या चुकुंदर। अच्छा चुकंदर। अच्छा क्या बोलते हैं यार, चुकुंदर, ठीक है, जो भी बोलते हो। मान लो इसको शरीर में खून की कमी है, फिर कोई डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा वो चुकुंदर खाया करो, चुकुंदर या चुकुंदर, हाँ जो भी कुछ हो, तो चुकुंदर खाया करो। तो फिर अभी इसके शरीर में तो ये चुकुंदर में बाकी, लेकिन इसको ये भी मान लो कि एलर्जी है चुकुंदर में, और एक चीज है उसकी एलर्जी है इसको, तो अभी क्या होगा, ये तो चुकंदर खाएगी नहीं क्योंकि एलर्जी भी है, लेकिन चुकंदर में आयरन भी है। लेकिन अगर कोई किसी ने रिसर्च किया और रिसर्च करके क्या किया कि चुकंदर से बराबर आयरन बाहर निकाल लिया, और बाकी चुकंदर की जरूरत नहीं खाने को, तो फिर क्या है, वो उससे आयरन जो निकला है बराबर, इतना ही रानी कुमारी खाएगी तो उसका जो खून का कमी है शरीर में वो ठीक हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरीफाई प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसने क्या किया, उस टेक्नोलॉजी ने कि इस पे काम करके उसको प्योर फॉर्म में लाया, उस कंपाउंड को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया और पेशेंट को दे दिया, या जिस किसी को देना है उसको दे दिया। तो ये तीन जगह पर रिसर्च होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। सो बायोटेक्नोलॉजी हम इंसान बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि हमारी लाइफ की क्वालिटी अच्छी होती है, और जैसे हमारा खाने का प्रोडक्शन बढ़ता है, और हेल्थ में हम लोग काफी इस्तेमाल करते हैं। तो ये है सारांश कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी तो शायद इसके पहला कोई चैप्टर है, उसमें और ज्यादा डिटेल में है, हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ पे होता है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो बताओ क्या क्या समझा अभी तक मैंने जो पढ़ाया। इसमें से कौन से लाइन में, फर्स्ट 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 सेंटेंस में, या हर सेंटेंस में कहाँ कहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, या क्या समझा, क्या नया पता चला, बताओ भाई शिवानी जी। यस सर,
सर बायोटेक्नोलॉजी के यूसेस के बारे में बता सकते? और यूजेस तो मैंने बताया नहीं। सर जैसे कि एग्रो जो एग्रीकल्चर है उसमें बायोटेक्नोलॉजी वगैरह यूज होती है, उस चीज के बारे में? हाँ, लेकिन मैंने अभी जो पढ़ा है वो एग्जैक्टली क्या पढ़ा है ये बता मेरे को। तो मैंने बहुत ही स्पेसिफिक चीजें पढ़ी है, मतलब क्या क्या पढ़ा अभी तक। ऐसे जनरलाइज बात बताओ रे, अच्छे से बताओ, स्पेसिफिक बताओ। वो क्वेश्चन में ऐसा नहीं बताएंगे, पूछेंगे कि भाई बताओ यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, किधर होती है, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल। तो तुमको स्पेसिफिक मैंने जो पढ़ाया है वो बताओ मेरे को, बायोटेक्नोलॉजी क्या है ये तो बता दो। ओ लाइम मैम, बताओ बायोटेक्नोलॉजी क्या है। सर मैं बता दी पर मैं आज ना अभी जुड़ी थी। अरे यार, तुम्हारे पास इतने एक्सक्यूजेस रहते ना हर किसी के पास, मैं तो भी लेट हो बताओ। गई आज, ध्यान नहीं रहा, फिर भी शाम वो को 6 बजे का याद रहता है। मुझे मत बताओ, फिर भी बताओ अभी क्या है बायोटेक्नोलॉजी। उधर लिखा ही तो है बाप, पहले लाइन दिख रहा है ना, या चश्मे लग गए, हाँ क्या हो गया। हाँ तो बताओ, पहले लाइन है तो है बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन, बताओ क्या है बायोटेक्नोलॉजी। पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ, मतलब वही वैसे पढ़ो मत, मुझे समझाओ क्या है बायोटेक्नोलॉजी, क्या समझा तुमको। 1 मिनट। मनोज भाई बताओ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तुम तो पहले से थे। मनोज जी, यस सर, बताओ बायोटेक्नोलॉजी क्या है। हाँ मनोज बोलो, ये डरो मत सलोनी से, हाँ बोलो। मैं बताऊं क्या थोड़ा सा जो भी आता है मुझे जो इसके बारे में, बायोटेक्नोलॉजी? चलो बता दो, चलो मनोज हाँ जीव तो नहीं बता रहे हैं। तकनीक, मतलब हाँ थोड़ा सा ही आता है, जो बीज होते हैं ना उनको मतलब तकनीकों द्वारा वो मतलब हाइब्रिड क्या कहते हैं उसको सर, वही ब्रेड, हार्ट ब्रेड, क्या हाँ। ठीक है, चलो ओके। मनोज बोलो, मनोज जल्दी जल्दी बोलो, समय जा रहा है। सर बायोटेक्नोलॉजी का सर यूज करके हम सर यूज करके नहीं, बायोटेक्नोलॉजी क्या है मैं वो पूछ रहा हूं। तो यह बताओ, टेक्नोलॉजी जिसमें हम बायो रिसोर्सेस या फिर ऐसे कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेस जैसे कि छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इनका यूज करते हैं ताकि हम ह्यूमन बीइंग्स के बेनिफिशियल प्रोडक्ट तैयार कर सके। मनोज
मनोज भाई सुन रहे हो या नहीं? हाँ नहीं कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ तो देखो यार, मुझे बड़ा बुरा लगता है, मैं बात करता हूँ तुमसे, पूछता हूँ ना, तुम रिस्पॉन्ड करते हो, बस रहते हो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं पूछू जो आता है वो बताओ, नहीं आता है नहीं बताओ, नहीं समझा है वो बोलो, लेकिन ऐसे वेट करके मत रहना, सबका टाइम खराब होता है। तुम 10 मिनट कुछ नहीं बात करोगे, ये भी नहीं बोलोगे कि मुझे नहीं आता है नहीं समझा, तो ये ठीक नहीं है। यस ठीक है, क्विक रिस्पॉन्ड करो, नहीं आता है नहीं बोलो, आता है आता बोलो। मैं तो इस पे तो यस 10 मिनट समझाया है, 10 मिनट कम से कम 5 मिनट तो समझाया बायोटेक्नोलॉजी क्या है। फिर आप तो शुरुआत से जुड़े थे, तो क्या गड़बड़ हो गई, क्यों नहीं समझा बता, या ध्यान नहीं था? नहीं सर, सर क्या क्या? नहीं समझे सर। ठीक है तो भी सुन लो फिर से, मैं फिर से एक बार ये सब पढ़ाता हूँ, लेकिन इसके आगे से ये नहीं चलेगा, ध्यान देना पड़ेगा। मैं किसी को भी पूछूंगा और हम हर एक पेज पे फिर से सब रिवाइज करेंगे, जब तक सबको नहीं समझा आगे नहीं जाएंगे। तो सब लोग ध्यान दो, नहीं तो आप ध्यान नहीं दोगे तो आपकी वजह से सारे लोग रुक जाएंगे। ठीक है, अभी सुन यस लो सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर तुमको समझाना है, और मैं बाकी और किसी को भी पूछ सकता हूँ, तो अच्छे से समझ लो, बिना समझे आगे जाने से कोई भी फायदा नहीं। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी ऐसी तकनीक है जिससे बायो और टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी दो शब्द है, बायो मतलब जीव, जीव जो भी जीवित चीजें हैं, और टेक्नोलॉजी मतलब हमारी कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी साइंस की टेक्नोलॉजी रहेगी। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी मतलब जिंदा चीज़ों को इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी में यूज़ करके हम इंसान के लिए कुछ फायदेमंद चीज़ें बनाते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्री में इंसान के लिए कुछ फायदेमंद चीज़ें बनाते हैं, जैसे बायोफार्मास्यूटिकल्स मतलब जैव से होने वाले दवाइयाँ या कोई और बायोलॉजिकल चीज़ें। और इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब जिनका जनुकीय संरचना हमने बदल दी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कौन? माइक्रोब मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस और प्लांट्स और एनिमल्स। तो इन सबको इस्तेमाल करके, मतलब किसको इस्तेमाल करके? जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब, फंगस, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रीज में बहुत बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल, इंडस्ट्रियल स्केल, इस बहुत बड़े पैमाने पे बहुत सारी दवाइयाँ और कुछ हमारे मानव में उपयोगी चीज़ें बनाते हैं, तो इसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। फिर से मैं बता रहा हूँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब जनुकीय संरचना जिसकी बदल दी गई है, ऐसे सूक्ष्म जीव जंतु, फंगस, प्लांट्स और एनिमल्स, इनको इस्तेमाल करके हम इंडस्ट्रियल स्केल पे बायोफार्मास्यूटिकल्स और बायोलॉजिकल मतलब दवाइयाँ और कुछ और हमारे लिए उपयोगी वस्तुओं को बनाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि इंडस्ट्री में बना रहे हैं, और दूसरा क्या इस्तेमाल हो रहा है? दूसरा उसमें ये बाकी सारी चीज़ें, जीवित चीज़ें इस्तेमाल हो रही है, माइक्रो, फंगाई, प्लांट्स और एनिमल्स, पर ये ऐसे कोई भी नॉर्मल नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो इसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। चलो मनोज बताओ, मनोज मत बताओ, यस चलो सर। अभी कोई सर बायोटेक्नोलॉजी रुको रुको, तुम मत बताओ, सर हाँ बता दो, चलो अभी बताओ। सर बायोटेक्नोलॉजी का मतलब जी सर बायो और टेक्नोलॉजी सर। बायो जैसे सर कोई भी जीवित जीवित जीवों का उपयोग करके टेक्नोलॉजी के अनुसार सर जैसे कोई मेडिसिन वेडिसिन बनाते हैं और कोई सर यूजफुल पदार्थ बनाते हैं उसे सर बायोटेक्नोलॉजी से कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो
अभी ये बायोटेक्नोलॉजी जो है इसका एप्लीकेशन मतलब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगी, यहाँ पे लिख के रखते जाओ क्या कहीं पे भी पता नहीं, तुम के नोट्स बनाते हुए नहीं, लेकिन वो बुक में ही एप्लीकेशन मतलब बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ है। तो थेरापेटिक्स मतलब दवाइयों में, डायग्नोस्टिक मतलब दवाई ढूंढने में, थेरापेटिक मतलब दवाई देने में, इलाज करने में, ठीक है, और डायग्नोसिस मतलब कौन सी बीमारी है ये ढूंढने में। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर मतलब कि हम लोग ये जो पेड़ पौधों को कुछ ये करते हैं ना, हाइब्रिड बनाते हैं जैसे उसने बोला, तो हाइब्रिड बना के ये जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधे करेंगे, तो जो पौधों में शायद रोग प्रतिकार शक्ति ज़्यादा होगी या ज़्यादा उपज देंगे, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी बायोटेक्नोलॉजी बनाती है। फिर क्या, प्रोसेस फूड अलग अलग तरीके से अभी खाने वाने आते रहते, पनीर वनीर ये सब प्रोसेस्ड फूड। फिर वेस्ट ट्रीटमेंट, बाय रेमेडिएशन क्या है ये एक बार मैं पढ़ के और बताऊंगा। वेस्ट ट्रीटमेंट, तो वेस्ट ट्रीटमेंट मतलब कि हम लोग जो भी गंदा पानी, गटर का पानी रहता है वो नदी में जाके मिलता है, तो उसको ठीक कैसे करे, साफ कैसे रखे ताकि वो नदी को गंदा ना करे, ये एनर्जी प्रोड्यूशन, इन सब में इस्तेमाल होता है बायोटेक्नोलॉजी का। फिर बायोटेक्नोलॉजी में 3 तरह से रिसर्च कर सकते हैं कि सबसे अच्छा कैटलिस्ट क्या है। कैटलिस्ट मतलब कि कोई भी प्रक्रिया में जो मदद करता है उसको कैटलिस्ट कहते हैं, तो ऐसे एकदम परफेक्ट कैटलिस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी कोई 12th में है और उसको नीट में नंबर लगना है, अब एक टीचर कैटलिस्ट है, वो तुमको मदद कर सकता है। अगर तुम खुद से ही पढ़ोगे तो शायद 2 साल लगेंगे, टीचर ने तुमको मदद की और तुमने मेहनत भी की तो शायद 1 साल में तुम्हारा नीट में नंबर लग जाएगा। तो टीचर कैटलिस्ट है, ये तुम्हारे नीट में नंबर लगने की प्रक्रिया को वो फास्ट बना रहा है। वैसे ही दूध का दही तो बनना ही है, 5-6 दिन लगेंगे, लेकिन उसमें और से दही का एक बूंद डाल दो 1 दिन पहले, तो दही के एक बूंद में बहुत सारे माइक्रोब रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो तुरंत में दूध को जमा करके दही बना देते हैं 10 घंटा 12 घंटा में। तो वो जो है वो कैटलिस्ट है या एंजाइम है जो दही बनाने की प्रक्रिया को फास्ट कर रहा है। तो ऐसे तो यहाँ पे हम रिसर्च कर सकते हैं कि सबसे बढ़िया कैटलिस्ट कैसे बने, सबसे अच्छा टीचर, जैसे सबसे अच्छा बायो का टीचर तुमको कैसे दे दे कि तुमको बायोलॉजी वैसे ही समझ जाए, या क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट। एक तो है वो कैटलिस्ट ढूंढना, दूसरा है कि ऑप्टिमल कंडीशन क्या है किसी भी चीज का, मतलब कौन सा बेस्ट इन्वायरमेंट है जिसमें वो चीज होगी, तो ये एक है। और तीसरा है कि ऐसी प्रोसेस टेक्नोलॉजी ढूंढो जिससे कि एकदम प्रोटीन लेवल पे हम चीजों को प्यूरिफाई कर सके, किसी भी खाने को निकाले और उसको निचोड़े और उसमें से आयरन अलग कर दे, प्रोटीन अलग कर दे, कार्बोहाइड्रेट अलग कर दे, तो जो इंसान को जो चाहिए वो प्योर फॉर्म में मिल सकता है। तो ऐसे अलग अलग इसमें बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, खासकर बायोटेक्नोलॉजी फूड और हेल्थ में इस्तेमाल होती है। तो फिर चलो हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में क्या है। इतना समझा, किसी को कुछ नहीं समझा तो अभी पूछ लो, फिर मैं सवाल पूछूंगा तो फिर मैं खाली मरूंगा। मनोज भाई तुमको डाटा तो गुस्सा आया क्या, तुमको नहीं सर, नहीं है, नहीं सर, आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए कि मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया, पढ़ा क्यों नहीं, मेरे पे मत गुस्सा करो लेकिन खुद पे तो करो, ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा आगे जाने के लिए बहुत ना। चलो, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है, लेट अस लुक एट 3 ऑप्शंस दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। तो ये कहते हैं कि 3 ऑप्शन है जिससे कि हम फूड प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ठीक है, मतलब जो उपज है हमारे खेतों में वो बढ़ा सकते हैं। पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर,
दूसरा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, और तीसरा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो हमारी उपज जैसे तीन तरह से बन सकती है। देख, तो जैसे एग्रोकेमिकल जो है ना, पहला वाला वो शायद होगा कि जिसमें हम लोग केमिकल डालते हैं, उसमें हम लोग फर्टिलाइजर डालेंगे। फर्टिलाइजर मतलब क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, या पेस्टिसाइड। फर्टिलाइजर है ना, वो आप डालते हो, यूरिया वगैरह डालते हो खेतों में, तो वैसा हम लोग फर्टिलाइजर्स डालेंगे, तो शायद वो एग्रोकेमिकल है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मतलब जिसमें हम कोई भी केमिकल नहीं डालेंगे खेतों में। ऑर्गेनिक जैसे गोबर खाद है या बाकी चीजें है, उसको इस्तेमाल करके, केमिकल को बिना इस्तेमाल करके हम खेती करेंगे, तो इससे भी खेती अच्छी होती है, ऐसा लोग बोलते हैं। और तीसरा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो तीसरा तरीका क्या है कि जो बीजे है उसमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग कर लो, जिससे क्या होगा कि वो वैसे ही, उसके पास तो प्रोग्रामिंग ही है जेनेटिक में। जीन्स क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं किसका हाइट बढ़ाना है, किसका कम करना है, किसको फल अच्छे देने हैं, किसको नहीं देने हैं। तो उसे जीन्स ढूंढ लो और उसको उसमें डाल दो बराबर वो क्रॉप्स में, और देखो। और अगर वो अच्छा हुआ तो बढ़िया है, तो फिर सारे खेती में जितने भी धान उगेंगे वो बड़े रहेंगे आकार में या ज्यादा रहेंगे। तो ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो ठीक है, तीन तरह तरह से लोग बोलते हैं कि हमारा खेती में उपज बढ़ा सकते हैं। कौन सा तीन है? पहला, केमिकल्स इस्तेमाल करके, मतलब यूरिया और बाकी नाइट्रोजन वाले कोई भी फर्टिलाइजर है वो इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, मतलब बिल्कुल कोई भी केमिकल मत डालो, हम लोग गोबर खाद और ये सब डालेंगे, उससे हो जाएगा अच्छा। और तीसरा बोलते हैं जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप, वो बोलते भले तुमको गोबर डालना डालो या फिर केमिकल डालना डालो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो जो बीज तुम बो रहे हो उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड रखो, तो ताकि तुमको जैसी उपज चाहिए वैसी आएगी, और उनपे जो बीमारी आती है वो नहीं आएगी। द ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। ठीक है, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ पूरे विश्व में हुआ, फिर इंडिया में आया ग्रीन रिवॉल्यूशन, मतलब क्या, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हमको मिलने लग गए, और हमको पता चला कि अरे ये वैरायटी लगाने से ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको पानी भी कम लगता है और उपज भी ज्यादा आती है, ऐसा ऐसा बहुत सारी चीजें पता चली। तो हमने वैसी बहुत सारी बीजें बनाई और सब लोगों को वो दे दी, तो उसकी वजह से उत्पादन बहुत बढ़ गया खेतों में, तो उसको कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो जिससे कि खाना तो आ गया, लेकिन ये फिर भी हमारा जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब अपना हम लोग बहुत सारा, हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, तो खाना भी बना रहे हैं खेतों में, लेकिन जनसंख्या भी बहुत बढ़ रहा है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खाना कम रहता है, उतना बनता ही नहीं खेतों में जितना हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। इंक्रीज यील्ड्स हैड पार्टली ड्यू टू इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी। तो हम लोग देखते हैं कि हमारी जो जो उपज बढ़ी है, तो वो क्योंकि हमारी क्रॉप वैरायटी जो है वो बढ़ी है, अच्छा अच्छा ढूंढा है हमने, उस क्या बोलते, तो किस जो किस्म लगाते कि ये किस्म का हम बीज डालेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा है, तो उस तरह से हमने वैसे बीजे ढूंढे हैं या फिर उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया है। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोग उसमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड भी डालते हैं। भी फर्टिलाइजर क्या है, जो भी यूरिया या जो भी चीजें हैं जो न्यूट्रिशन देती है पेड़ों को, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजर। तो उसमें एक्स्ट्रा जो भी चीजें केमिकल्स है वो डालते हैं हम लोग, छिड़कते हैं या पानी से देते हैं, तो जमीन में जाता है, पेड़ के जड़ उसको सोखते हैं और उनको पोषण मिलता है। और पेस्टिसाइड क्या है कि पेस्टिसाइड है कि अगर मान लो उस किसी पेड़ों पे कीड़े लग गए, जैसे अभी भिंडी लगाई है और भिंडी के इसमें कीड़े लग गए, भिंडी के इसमें वो कीड़े छेद कर रहे हैं, वो छोटी छोटी चीजें नहीं रहती है, क्या बोलते हैं उसको यार, छोटी छोटी वो घूमने वाली चीजें, तुम क्या बोलते हैं, हमारे इसमें अड़ी बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? जो पौधों को खाती नहीं है, उसके पत्ते खाती है और वो फल खा लेती है, उसको क्या बोलते हैं? वो बैगन वैगन काटते काटते नहीं निकलती गोभी में और ये सब, रानी कुमारी क्या बोलते हैं उसको?
फिर गायब हो गए लोग। रानी कुमारी तो है, बताओ भाई क्या बोलते हैं उसको। सर हम तो कीड़े बोलते हैं, या सलोनी क्या कहते हैं उसको। कीड़े कीड़े क्या क्या। कुछ नहीं। अरे मैं बोल रहा हूँ, वो गोभी में छोटे छोटे नहीं कीड़े निकलते हैं, वो गोभी के पत्ते खाते रहते हैं, फिर गोभी काटते समय वो हाँ अच्छे से यही दिखना कहते हैं, चाहिए हम रहता है। भी कीड़े कीड़े ही कहते हैं और कुछ नहीं कहते। बोलते हैं उसको हमारे इसमें, उसको अड़ी अड़ी बोलते। मराठी में क्या बोलते रे श्रेया। या तन्वी मराठी में क्या बोलते हैं, आपको पता होगा ना। अड़ीच मनते आड़ी मनते। ओके ठीक है। सर, कीड़ा ना कोई कीड़े से बनते हैं हमसे कड़े। ओके, कोई इल्ली बोलता है, कोई अड़ी बोलता है, ये सब ठीक है। तो ये सब ना पेड़ों पे लग जाते हैं, तो जब ये पौधे है उस पे, तो ये पौधे पे लगने के वो सब पत्ते खा लेगी, या फिर ये भिंडी विंडी में घुस के सब अंदर का खराब कर देगी, या मटर में चली जाएगी अंदर खप खराब कर देगी, ये सब होता है। तो इसके ऊपर कुछ व्यवहार नहीं करते हैं, छिड़काव करते हैं एक केमिकल का जिसको बोलते हैं पेस्टिसाइड, जिसकी वजह से ये कीड़े जो है वो सब मर जाते हैं। तो ये है जिस जो कीड़ों को मारने के लिए जो चीज़ है वो पेस्टिसाइड है। फर्टिलाइजर क्या है, अब जो भी कुछ अच्छा केमिकल जिससे कुछ न्यूट्रिशन मिले पेड़ों को वो डाल रहे हो, तो वो है फर्टिलाइजर। लेकिन जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, मतलब डेवलपिंग वर्ल्ड मतलब वैसे भारत है, हम अभी डेवलप कंट्री नहीं है ना, हम बोलते हैं कि इंग्लैंड यूनाइटेड स्टेट डेवलप कंट्री, भारत एक डेवलपिंग कंट्री, अभी डेवलप नहीं है पूरा। तो हमारे लिए एग्रोकेमिकल बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब बहुत ही महंगा है। हम फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड लाते जाएंगे तो वो खर्चीला है। और फिर अभी जो हम लोग चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं ये बनाने के लिए, जो भी हमारा एग्रीकल्चर, तो उसमें और ज्यादा हम उपज नहीं ले सकते। जैसे अभी 2 एकड़ में मान लो इतना इतना निकल रहा है, लेकिन उससे ज्यादा और नहीं मिल सकता अपने को। तो फिर इसलिए जेनेटिक्स में कहा जाता है कि फिर ये सब नहीं हो रहा है, तो और है कि हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या हाइब्रिड जो है उन चीजों को हम लोग इस्तेमाल करें, जिससे कि हमको ज्यादा से ज्यादा उपज मिले, जिससे कि हम लोग। और दूसरा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इस्तेमाल करने से हमको फर्टिलाइजर और केमिकल जो है इसका भी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ता। पर ये सब झूठे हैं, तो ये किताब में लिखा है इसलिए पढ़ लो, लेकिन घर पे जाके पिताजी को मत बदलो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लगाना है करके। तो हर इसके अपने फायदे हैं नुकसान है, ये बुक में लिखा है इसलिए पढ़ो, लेकिन ऐसे के ऐसे अच्छे से समझ के बूझ के इस्तेमाल करो ये सब हाइब्रिड चीजें, ठीक है। लेकिन ओके किताब में लिखा है तो याद रखो, नीट में यही इस पे मार्क मिलेंगे। मैंने जो बोला है कि समझ बूझ के लिखो, उसमें मार्क नहीं मिलेंगे। तो प्लांट्स बैक्टीरिया फंगस और एनिमल्स, इसको हमने उनके जनुकीय संरचना को बदला है, जीन्स को बदला है, और इनको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMO, ठीक है। तो जेनेटिकली GM को है जेनेटिकली मॉडिफाइड, अब भी याद रखना GM मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब क्या, इनके जीन्स को बदल दिया है, इनकी जनुकीय संरचना को बदला है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज। तो जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स कैसे कैसे हमको इस्तेमाल होते हैं, तो मान लो किसी एक चावल की वेराइटी जो है उसमें बीजों में प्रक्रिया करके उसके जनुकीय संरचना को बदल दिया हमने। अब उस प्लांट को हमने उगाया तो उससे बहुत सारे नए बीज मिले। अब वो बीज हमने लगाया तो उस बीज से क्या क्या हो सकता है अच्छा फायदा, मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक और अबायोटिक, बायोटिक मतलब क्या, जो जीव जंतुओं द्वारा चीज है, अबायोटिक मतलब जो मरे हुए हैं जिनमें जान नहीं। तो अबायोटिक क्या क्या है, गर्मी, हवा, ये पानी, जमीन, एनवायरनमेंट, कितना तापमान है, ठंडा है गर्म है, ये सारी चीजें अबायोटिक चीजें।
ये जब ये बोलते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो है ये मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस, मतलब हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कितना भी ठंडा पड़े, कितना भी गर्मी हो जाए, तो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो है उनको तकलीफ नहीं होगी, वो ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। जैसे सूखा आ गया, अकाल पड़ गया, बहुत ठंडी हो गई, तो गर्मी हो गई, तो भी ये इन पेड़ पौधों को कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, वो वैसे ही बढ़ेंगे। तो ये ऐसा बोलते हैं, तो मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। तो फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में क्या क्या रहता है, कुछ जीन्स बदल के हम क्या डाल सकते हैं कि मान लो एक जगह पे एक बीमारी बहुत ज्यादा होती है पेड़ों को, तो उस बीमारी के खिलाफ जो जो जीन्स है वो वही डाल दिया उसमें, तो फिर वो जो बीमारी के खिलाफ जीन्स हमने डाल दिया उस बीज में, और वो बीज जब बड़ा हो गया, पौधे बन गए, तो वो बीमारी जब उस पे आएगी तो उस पौधों को खा के शायद वो कीड़ा मर जाए, या फिर वो पौधा खा ही ना सके। तो ऐसा हम कर सकते हैं, इससे क्या होगा, वो कीड़े को मारने के लिए जो अलग से पेस्टिसाइड यूज होता है वो तो इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, मतलब पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, रिड्यूस हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, मतलब कि जब हम लोग ये काट देते हैं फसल और उसके बाद रख देते हैं कहीं, तो कुछ कुछ फसल जल्दी खराब हो जाती है, कुछ कुछ बहुत दिनों तक रहती है। तो शायद ऐसा हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जीन्स में उनके, उस पौधे के, कि वो फसल बहुत लंबा चले, इसलिए पोस्ट हार्वेस्ट लॉस नहीं होगा। पोस्ट हार्वेस्ट मतलब वो काटते हैं फसल उसके बाद, हार्वेस्टिंग मतलब फसल काटना। इंक्रीज डिफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, तो कोई भी प्लांट जमीन से मिनरल्स लेते रहता है, सोडियम लेगा, पोटेशियम लेगा, और आयरन लेगा, जो भी कुछ लेगा। तो अगर वो उसने लिया, लेकिन मान लो सोडियम 10 मॉलिक्यूल सोडियम लिए, लेकिन प्लांट के अंदर वो उसको इस्तेमाल ही नहीं करता है, प्लांट को 5 ही मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए, लेकिन उसको 10 चाहिए, तो जमीन से और लेगा वो 10। तो ये है कि अगर हमने प्लांट में जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जहाँ पे उस प्लांट में ये सिस्टम है कि वो जो भी मिनरल आएगा उसका अच्छा उपयोग कर सके, तो जमीन से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, तो जमीन की जो पोषकता है वो अच्छी बनी रहेगी। और क्या है, कुछ कुछ इनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, मतलब कुछ कुछ इसमें हम लोग न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा सकते हैं। मतलब क्या कि मान लो किसी जगह पे विटामिन ए की कमी है, किसी जगह पे आयरन की कमी है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ जनुकीय चीज डाल सकते हैं उस पेड़ में, पौधे में, कि जिसमें उसमें पहले से ही विटामिन है उस फल में या बीज में है या सब्जी में है, तो वो सब्जी खाने से विटामिन ए सबको मिलेगा, वो सब्जी खाने से आयरन सबको मिलेगा। तो हम लोग ऐसे न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा सकते हैं फूड की, जैसे गोल्डन राइस है जिसमें विटामिन ए ज्यादा है, तो अगर गोल्डन राइस हम खाते हैं तो वैसे हमको विटामिन ए मिल जाएगा। तो ये इतने तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या क्या तरीके है कि क्रॉप्स को मोर टॉलरेंट बना सकते हैं अबायोटिक स्ट्रेस से, कोल्ड ड्रॉट हीट, अबायोटिक मतलब जो वातावरणीय ये है चीजें है, घटक है। फिर केमिकल पेस्टिसाइड पे हमको ज्यादा ये नहीं करना पड़ेगा, नहीं डालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग उसमें कुछ जनों की संरचना ऐसा कर सकते हैं कि एक दो बीमारियां जो ज्यादा होती है उनके खिलाफ ही उस पे कुछ बीज डाल, मतलब ये जनों की बदलाव कर दे, तो वो कीड़े इनको नहीं लगेंगे। फिर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, लंबे समय तक चल सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं उनको। इंक्रीज इफिशंसी, तो मिनरल जो इनके शरीर इनके प्लांट में जा रहा है वो अच्छे से इस्तेमाल कर रहे। और एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू, मतलब कि उनमें न्यूट्रिशनल की भी कुछ चीजें डाल सकते हैं। इन एडिशन टू दिस यूजेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड प्लान टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेचेस, फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो अभी ये क्या बोल रहे कि ये सब तो ये खाने की चीजें, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड एकदम अच्छे से, जैसे किसी इंडस्ट्री को कुछ चाहिए कि उसको बायोफ्यूल बनाना है, पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, तो फिर बायोफ्यूल बनाना है, मतलब पेड़ों से कुछ निकाल के पदार्थ उससे गाड़ी चलानी है, ऐसा वगैरह कुछ करना है,
तो ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर किसी को दवाइयां बनानी है तो वैसा भी हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बना सकते हैं, जिससे कि उससे दवाई निकलती रहे, उससे फ्यूल निकलता रहे, तो ये भी इस्तेमाल होता है। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ये जो है वो सबसे मेन है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पेस्ट मतलब जो रोग कीड़े आते हैं ना, जंतु जो पेड़ों पे हमला करते हैं, उसको बोलते हैं पेस्ट, PEST। तो पेस्ट रेजिस्टेंट मतलब वो जो कीड़े आते हैं उनसे, जो उनसे जिस प्लांट को फर्क नहीं पड़ता है उसको बोलते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। रेजिस्टेंट है वो पेस्ट के लिए, तो जिसकी वजह से पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम होता है, क्योंकि वैसे भी वो पेड़ को पेस्ट से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो उसके ऊपर दवाई का छिड़काव करने की बाद में जरूरत। तो वैसे उसका इस उदाहरण है BT। BT जो है ना, BT कॉटन, BT राइस, BT वीट। तो ये BT जो है बैसिलस थुरिंजिनेसिस, तो ये BT जो है टॉक्सिन है, जहर है, किसके लिए, वो कीड़े मकोड़ों के लिए। तो BT टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस थुरिंजिनेसिस। तो बैसिलस थुरिंजिनेसिस से ये जो ये बैक्टीरिया है, इससे BT नाम का जहर बनता है। तो BT का जो जीन है, BT टॉक्सिन का जीन है, वो बैक्टीरिया से निकाल लिया है उन्होंने, और उसको किसी पेड़ में डाल दिया, पेड़ के बीज में। तो जिससे क्या होता है, वो जब बीज उगेगा और पेड़ बनेगा, तो उसमें BT भी बनेगा, बैसिलस वो जो टॉक्सिन भी बनेगा। तो जैसे ही कोई वो पेड़ का एक थोड़ा भी पत्ता या ऐसा खाएगा, तो वो कीड़ा मर जाएगा। तो फिर थोड़ा सा भी खाने चखने से वो कीड़ा मर जाएगा। तो इस तरह से फिर वो कीड़े अपने आप मर जाते हैं, और ये जो फसल है उसको कीड़े नहीं लगते। तो इसका एग्जाम्पल है, तो इसको बोलते हैं बायो पेस्टिसाइड। मतलब हमने कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया, जैविक ये चीजों को इस यूज करके कीड़े को खत्म किया, तो उसको बोलते हैं बायो पेस्टिसाइड। केमो पेस्टिसाइड रहता था, तो केमिकल को यूज करके जो कीड़ों को मारा है। पेस्ट पेस्टिसाइड मतलब पेस्ट को मारने वाला, पेस्टिसाइड, ठीक है। जैसे सुसाइड है खुद को मारने वाला, होमिसाइड है किसी और को मारने वाला, वैसे पेस्टिसाइड है पेस्ट को मारने वाला। तो एग्जाम्पल बायो पेस्टिसाइड के क्या है, BT कॉटन, BT कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन। तो ऐसे अलग अलग वैरायटी में BT वाले कॉटन, BT कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो आए हैं। तो बस लोग बोलते हैं लेकिन कि ये BT कॉटन जो है, इससे पर्यावरण का बहुत नुकसान हो रहा है। बुरे बुरे कीड़े तो मर ही रहे हैं, लेकिन अच्छे कीड़े भी मर जाते हैं, मधुमक्खी मर जाती है, बाकी सारी चीजें, क्योंकि परागकण लेने के लिए मधुमक्खी घूमती रहती है और ये सब। तो उससे पर्यावरण का बहुत नुकसान हो रहा है, और ये जहरीला टॉक्सिन है, तो ये हमारे शरीर में क्या नुकसान कर सकता है हमको अभी तक पूरी तरह से नहीं पता। अब तक तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं किया, लेकिन और भी और डिटेल में नहीं पता। तो ऐसा लोग बोलते हैं कि BT कॉटन, BT कॉर्न, टोमेटो, राइस, पोटैटो, ये सब सोयाबीन, जो BT के आ रहे हैं, हाइब्रिड आ रहे हैं, ये पर्यावरण को नुकसान कर सकते हैं, हमको भी कर सकते हैं। तो BT कॉटन, सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थुरिंजिनेसिस प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल इंसेक्ट सच एज लेपिडोप्टेरोन्स। तो ये बैसिलस थुरिंजिनेसिस से कुछ कुछ स्ट्रेन क्या है, एक प्रोटीन बनाते हैं जिससे कि इंसेक्ट मर जाते हैं, कीड़े मर जाते हैं। कौन से कीड़े, लेपिडोप्टेरोन मतलब टोबैको बर्डवर्म, आर्मी वर्म, सीलोप्टेरोन मतलब बीटल्स, और डायप्टेरन मतलब फ्लाई और मॉस्किटो। तो ये जो टॉक्सिन बनाते हैं, इसमें इतने सारे लोग मर सकते हैं इसके कांटेक्ट में आने से, उस जहर के। तो बैसिलस थुरिंजिनेसिस फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। दिस क्रिस्टल कंटेन अ टॉक्सिन कॉल्ड इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। तो इस टॉक हाँ तो ये जो टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है, हाँ ये प्रोटीन है जो टॉक्सिन है। तो ये क्या करता है, ये BT जब टॉक्सिन बनाता है बैसिलस, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, एक्टिव नहीं रहता, जिसको बोलते हैं प्रोटॉक्सिन। पर जैसे ही कोई कीड़ा इसको खा लेता है टॉक्सिन को, तो वो इनएक्टिव जो टॉक्सिन है, मतलब जो टॉक्सिन नहीं है, टॉक्सिन के पहले का एक, जैसे दूध, दूध के बाद मान लो दूध इनएक्टिव फॉर्म है, फिर बाद में बन गया दही,
तो दही से किसी की जान जा सकती है, किसी को दही से एलर्जी है, दूध को नहीं, दूध से नहीं। वैसे ही इनएक्टिव फॉर्म में टॉक्सिन बैसिलस थुरिंजिनेसिस में प्रोड्यूस होता है। कोई कीड़ा जब उसको खाता है तो उसके पेट में जाके वो अल्कलाइन, जब पीएच है गट में, पेट में अल्कलाइन अगर पीएच रहा तो उसकी वजह से क्या होता है, वो क्रिस्टल जो है प्रोटीन के वो सोल्यूबल हो जाते हैं और उसकी वजह से वो टॉक्सिन एक्टिव हो जाता है। अब वो पॉइजनस बन गया और अब वो क्या होता है, मिड गट कहाँ पे बाइंड होता है, सरफेस ऑफ मिड गट एपिथेलियल सेल। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू सरफेस ऑफ मिड गट एपिथेलियल सेल। तो ये छोटी छोटी चीजें ये याद रखनी, इसका कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो ये सरफेस ऑफ मिड गट एपिथेलियल सेल ये याद रखने का, टॉक्सिन कहाँ बाइंड होता है, बीटी का सरफेस ऑफ मिड गट एपिथेलियल सेल। दांत में नहीं होता है, मुंह में नहीं होता है, फोर गट में नहीं होता है, हैंड गट में नहीं होता है, कहाँ होता है, सरफेस ऑफ मिड गट एपिथेलियल सेल, वहां पे एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड होता है। और फिर उसमें छेद हो जाते हैं, क्रिएट पोर्स, और उसके वजह से सेल की स्वेलिंग होती है और सेल टूट जाता है और खत्म हो जाता है सेल। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स वेर आइसोलेटेड। तो बीटी टॉक्सिन जीन्स जो है वो बैसिलस थुरिंजिनेसिस से निकाले गए थे और बहुत सारे पेड़ों में, जैसे कॉटन है, कपास, उसमें डाले थे। ठीक है, द चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट। ठीक है, तो ये जो बीटी जो टॉक्सिन भी है वो इंसेक्ट स्पेसिफिक है, मतलब इस बैसिलस बीटी से टॉक्सिन निकालोगे तो वो इस कीड़े को मारेगा, दूसरे को निकालोगे, दूसरे इससे निकालोगे तो कोई और कीड़े को मारेगा। तो उस जीन को कोड कैसे करते हैं, क्राय, IAC, नेम्ड क्राय, CRY, बड़ा है, बड़ा ए, बड़ा सी, तो इसको क्राय भी बोलते हैं। तो ये याद रखना फिर, क्राय ISC, देर आर नंबर ऑफ देम, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन इनकोडेड बाय जीन क्राय ISC एंड CRY2AB कंट्रोल द कॉटन बुलवर्म, और क्राय IAB कंट्रोल कॉर्न बोरर। तो ये आ सकता है कि बीटी वाले जीन को कैसे कोड करते हैं, क्राय ISC के नाम से, या फिर क्राय, फिर क्राय ISC किसको मारता है, कॉटन बोलवर्म को मारता है या कॉटन बोरर को मारता है, तो कॉटन बोलवर्म को मारता है। तो ये उसके नाम है, जैसे तुम्हारे नाम है ना, सलोनी है, फिर श्रेया है, वैसे ये इनका नाम है, ये जीन का नाम है, क्राय IAC, क्राय IIAB, या क्राय 1AC या क्राय 2AB, रोमन आंकड़ों में होगा वो 2। तो ये कॉटन बॉलवर्म को मारते हैं। फिर क्राय IAB जो है कॉर्न, कॉर्न मतलब मक्का, कॉर्न बोरर को मारते हैं। तो ये दिख रहा है क्या तुमको ये फिगर, उसमें देखो, ए में देखो, ए में जो है वो कि वो बॉलवर्म नाम के कीड़े ने उस पूरे कपास को खत्म कर दिया है, और बी जो है उसमें वो पूरा कपास प्रॉपर है, वो बच गया। तो ये सब नुकसान खेती में होता है, फिर इसके लिए हमको अलग अलग चीजें करनी पड़ती है। विधाता, अभी और कितना समय है हमारे पास, 9 तो बज गए, अभी सर 9:05 हो गए। कोई क्लास रहेगी ना? नहीं, ये इतना एक ले लेते हैं बस, ये पैराग्राफ। ठीक है, यस। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, तो सेवरल निमेटोड पैरासाइट्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। तो बहुत सारे जो निमेटोड्स पैरासाइट है ये क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स पे हमला करते हैं। एक निमेटेड है मेलोइडी गाइनी, मेलोइडी गाइनी इनकॉग्निटा, ये क्या करता है, तंबाकू के जो पत्ते हैं, प्लांट्स है सॉरी, तंबाकू के जो पेड़ है उनके जड़ों पे हमला करता है,
तो जिसकी वजह से तंबाकू के जो पत्ते बहुत सारे मतलब उपज कम होती है। तो फिर बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि फिर उस पर रिसर्च किया, और उन्होंने क्या किया कि एक आरएनए इंटरफेरेंस, हाँ आरएनए इंटरफेरेंस की एक टेक्नोलॉजी ढूंढी उन्होंने, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आए। तो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। तो हमारे सेल के डिफेंस मैकेनिज्म में आरएनए इंटरफेरेंस होता है। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है, ये सेल को बचाता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई एमआरएनए रहता है, एमआरएनए और डीआरएनए, टीआरएनए हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो एमआरएनए को साइलेंस किया जाता है, कैसे करता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल में उसमें एक प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। तो एमआरएनए का ट्रांसलेशन हम लोग बंद करते हैं। तो ये ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये जब हमारा जीन्स चैप्टर रहेगा तब हम पढ़ेंगे। तो ये बस समझ के रखो, द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरसेस और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। तो ये सब आरएनए इंटरफेरेंस कब हो सकता है, तो अगर इसको कोई इन्फेक्शन हुआ तो ये आरएनए इंटरफेरेंस हो सकता है, जिससे 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 उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी उस पेड़ की, और वो उसको और बीमारी बढ़ेगी, और फिर उसका जो यील्ड है, यील्ड मतलब उस पेड़ में जितने पत्ते आने थे या जो भी कुछ होना था उतना नहीं होगा। तो एग्रो बैक्टीरिया वेक्टर, इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन उस प्लांट में डाल सकते हैं। तो फिर जैसे ये डीएनए हाँ, तो फिर ये किस चीज को इस्तेमाल किया, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के डीएनए को डाला, जिसके वजह से ये जो आरएनए इंटरफेरेंस होता है वो नहीं हुआ। तो उस वजह से क्या हुआ कि ये जो पैरासाइट है, ये रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट में जो रहता था वो अभी नहीं रह सकता, और इस वजह से ये जो प्लांट है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, वो अभी जिंदा रहेंगे, और उसके रूट्स मतलब जड़ जो है उसमें वो कीड़ा जो है जो लगता है वो नहीं लगेगा। कौन सा कीड़ा, नेमेटोड, क्या नाम है, मेलाडोजाइनी इनकॉग्निटा। तो को सवाल क्या पूछेंगे, मेलाडोजाइनी इनकॉग्निटा किस में होता है, तो टोबैको प्लांट्स में। कहाँ पे होता है, जड़ में होता है। उसको कौन बचाता है, तो एग्रोबैक्टीरियम के वो स्पीसीज से बच सकता है। तो ये यहाँ पे एक फोटो है कि तो जो नेमेटोड्स है, ये मोटे मोटे जो जड़ है बड़े बड़े जो कुटलियां बनी है, ये है कि ये क्या कहते हैं उसको, ये जो जड़, ये जो मोटे मोटे गुठलियां, ये इन्फेक्शन है। और बाजू वाला जो है जिसमें कोई भी ऐसी गुठलियां नहीं है, वो है कि उसमें वो टेक्नोलॉजी डाल दी थी और अभी उसके जड़ से सारे इन्फेक्शन गायब हो गए। तो ये है, तो इससे इसकी उपज बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्फेक्शन से इसकी उपज कम हो रही थी, अब ये इन्फेक्शन नहीं है, खत्म हो गया है जड़ों में इन्फेक्शन, कहीं पे भी गुट्टी नहीं है दूसरे वाले फोटो में देखो। तो फिर अभी इसमें उपज अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखा हमने। पहला है वो बीटी कॉटन, और दूसरा है ये कि जिसमें पेस्टिसाइड या नेमेटोड के अगेंस्ट में जो बनाया है जीन थेरेपी, नहीं एक मिनट, ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, और पहला है हमने देखा बीटी कॉटन, ठीक है। कल हम देखेंगे बायोटेक्निकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन कल, ठीक है। मैं ना कल, आज फिर से मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, तो हो सकता है मैं कल 8 बजे तक मैं पहुंच जाऊँ जहाँ पे पहुंचना है, और मैं वहां से क्लास ले लूंगा। यदि मैं नहीं पहुंचता हूँ तो मैं कुछ और ऑप्शन तुमको दे के ग्रुप में डाल के रखूंगा, ठीक है।
ओके सर. ओके ठीक है. ओके हेलो. चलो तो कल पूछूंगा मैं ये सब, अच्छे से पढ़ लो नहीं तो फिर डांट खानी पड़ेगी. जी सर. यस सर. सर.